जय हिंद किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं पीआर मीना आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैसी फर्गुसन 1035 Ti ट्रैक्टर के ऊपर वीडियो, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथियों, ट्रैक्टर तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंडीशन में, इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। चलो अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो साथियों, ये जो ट्रैक्टर है ना, 2008 मॉडल ट्रैक्टर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप लोगों के बहुत से कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे लिए तो 2008, 2007, 2006 मॉडल के ऊपर वीडियो लेके आओ। तो उन किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो बहुत खास रहेगा। किसान भाइयों, चलो अपन बात कर लेते हैं इसके टायरों के बारे में। साथियों, तो इस ट्रैक्टर के जो टायर है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टायर तो एकदम ख़त्म से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन 20 से 25% के आसपास आपको इसके टायर देखने को मिल जाएंगे। चारों टायर, ये दो इस साइड के, दो इस तरफ के, तो चारों टायर आपको कितने मिल जाएंगे, 20 से 25% के आसपास आपको इसके टायर देखने को मिल जाएंगे। साथियों, ट्रैक्टर बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंडीशन में। ट्रैक्टर के बारे में एक एक चीज़ के बारे में अपन बातचीत करेंगे ट्रैक्टर के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7 के कलर में आपको ये पूरा ट्रैक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे बम्पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसका बम्पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो बोनट का कलर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 के बोनट, जो बोनट पे कलर है, वो सारा कलर आपको 7 का कलर इसमें देखने को मिल जाएगा। साथियों, ट्रैक्टर के अंदर आपको 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है टायरों को छोड़कर। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमरगाटों की स्थिति आपको इस तरीके से नज़र आएंगी। यहाँ पर अमरगाट देख सकते हैं, अमरगाटों के ऊपर फंटे हैं। इस साइड का अमरगाट आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सीट और आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके गियर के बारे में अपन बातचीत कर ले साथियों, तो यहाँ पे आप इसको, इसके गियर भी नज़र आ जाएंगे। एक छोटी मियाँ है तो एक बड़ी मियाँ है। स्टेयरिंग के बारे में आपको बता दूँ साथियों, तो इस ट्रैक्टर की जो स्टेयरिंग है ना, इसका काम अभी नहीं हुआ है। 7 की स्टेयरिंग में भी आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। 7 की स्टेयरिंग का मतलब यह है कि होने को तो सबके 7 की होती है स्टेयरिंग, लेकिन इसका काम वापस नहीं हुआ है। अभी 7 का ही काम इसमें आपको सारा देखने को मिल जाएगा। लिपट के बारे में अपन बातचीत कर ले, तो लिपट भी एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में आपको ये मिल जाएगी। तो साथियों, ट्रैक्टर का कलर देख लीजिए, कैंची यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, स्पैंडल आप यहाँ पे इसके देख सकते हैं, किल्च वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सब कुछ एकदम ओके कंडीशन में पूरा ट्रैक्टर है। अब अपन इसको दूसरी तरफ से देख लेते हैं। तो चलते हैं ट्रैक्टर के दूसरी तरफ। साथियों, यहाँ पे जब अपन ट्रैक्टर को दूसरी तरफ से देखते हैं, तो इस तरीके से आपको ये ट्रैक्टर नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ट्रैक्टर की जो रिम की कंडीशन है, वो इस तरीके से आपको इसकी रिम देखने को मिल जाएगी। रिम पे आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा फॉल्ट है, थोड़ा वो भी रखा है कलर। और यहाँ पर आप इसके टायरों की स्थिति भी देख सकते हैं साथियों। साथियों, यहाँ पर जब रिम की कंडीशन अपन ने देख ली सामने वाले टायर की, तो अपन अब पीछे वाले टायर पर यहाँ पर चलते हैं साथियों। तो जब आप पीछे वाला टायर देखते हो, तो इस तरीके से आपको इसके पीछे वाले टायर की रिम नज़र आएगी। और साथ ही आप यहाँ पर इसका टायर भी यहाँ पे देख सकते हैं साथियों अच्छी तरीके से। ये अमरगाट अपन यहाँ पे देख लेते हैं, तो अमरगाट के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे अमरगाट देख सकते हैं आप फर्स्ट क्लास कंडीशन में। अमरगाट के ऊपर आपको इस तरीके से फंटे लकड़ी के लगे हुए मिल जाएंगे। लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने वाली लाइट यहाँ पर आपको लगी हुई मिल जाएगी साथियों। यहाँ पे अपन इसके गियर इस साइड से वापस देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे गियर देख सकते हैं बढ़िया कंडीशन में। ब्रेक वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सीलेटर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ब्रेक के पास में, तो यहाँ पे एक्सीलेटर देख सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पे पूरी ट्रैक्टर की कंडीशन अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ट्रैक्टर में कहीं पर गलावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेल्डिंग वगैरह कहीं पर करा रखा हो किसान भाई ने। सामने की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा। ट्रैक्टर को जब आप देखो, तो वहाँ पे जाने के बाद में इसको अच्छे तरीके से देखना कि कहीं बेल्डिंग तो नहीं है, किसान भाई ने बेल्डिंग तो नहीं करा रखा है, यहाँ से साफ नज़र एकदम नहीं आ रहा है। ट्रैक्टर की लाइटों के बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे जब ट्रैक्टर की लाइटें देखोगे आप, तो हेलोजन लाइटों में आपको मिल जाएगी। और लाइट एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ओके कंडीशन में आपको ये मिलेगी साथियों। अब ट्रैक्टर के इंजन के बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं कि इस ट्रैक्टर का इंजन कैसा है। तो साथियों, ट्रैक्टर का इंजन अभी कंपनी का है, 7 का इंजन में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है, 7 का इंजन है, मैं दो बार ये बात आप लोगों के लिए बोल चुका हूँ साथियों। साथियों, इंजन के बारे में अपन बात कर ले, तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है, लगभग 60 से 65% के बीच में किसान भाई ने अपने को बताया कि इतना ट्रैक्टर का अभी वर्तमान में इंजन है। तो काफ़ी इंजन है ट्रैक्टर के अंदर। टायरों की यह अभी सेकंड जोड़ी है जो आप देख सकते हैं, इतना माल अभी इनमें बाकी है। 2017 के अंदर किसान भाई ने इसके अंदर टायर डलवाए थे, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 2017 के अंदर किसान भाई ने इस ट्रैक्टर में टायर
डलवाए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ट्रैक्टर की बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंडीशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ट्रैक्टर को, और मैं आगे आपको दिखा दूंगा। ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है कि कहीं पे छेद वगैरह हो रहा हो बोनट के अंदर या कहीं दूसरी जगह, एकदम फर्स्ट क्लास और शानदार कंडीशन का है। नंबरों के बारे में अपन बात कर ली साथियों, इस ट्रैक्टर के जो नंबर है RJ01 में मिलेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि RJ01 कौन सी जगह के नंबर होते हैं किसान भाइयों। बाकी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि कहाँ पे मिलेगा, कीमत क्या है, बाकी सारी कंडीशन की जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे अपन जब सामने से देखेंगे इस ट्रैक्टर की लुकिंग, तो इस तरीके से आपको ये पूरा नज़र आ जाएगा। रेटर वगैरह इसका एकदम ओके कंडीशन में आपको मिल जाएगा साथियों। बोनट का कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हल्का हल्का फॉल्ट है, तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं साथियों। बाकी ऊपर से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है। इसी बात पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के वीडियो को शेयर भी करें। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए जो बोनट का कलर है ऊपर से, और मैं अभी आपको इसके अमरघाट भी दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ये पूरा ट्रैक्टर नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप अमरघाटों की स्थिति देख सकते हैं साथियों, इस तरीके से आपको अमरघाट मिल जाएंगे। अमरघाटों में कहीं पर गलावट नहीं है, और लैंके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस ट्रैक्टर की जो लैंके है वो भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं साथियों। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर आज आप लोगों के लिए है किसान भाइयों। देखिए ये सामने से आप वापस एक बार इसकी लुकिंग देख लीजिए। ट्रॉली जो किसान भाई, आप जानते हो किसान भाई खेतों में ट्रैक्टर को काम में लेते हैं, और आप जानते हो खेती के लिए ही ट्रैक्टर वो लेके आते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो किसान भाई है खेत में से कड़वी है, जो बाजरे की कड़व होती है उसको लेकर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इतनी कड़वी को ये आराम से निकाल के आराम से ले जाएगा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में बहुत जान अभी बाकी है। यहाँ पे आप इसके टायर देख सकते हैं साथियों, वापस इसके टायर एक बार वापस आप इस पर नज़र डाल लीजिए। ये रिम की कंडीशन है, और ये टायर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस ट्रैक्टर की जो कैंची है वो नज़र आ जाएगी, और ये स्पेंडल आप देख सकते हैं कहीं से टूटे हुए नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में। यहाँ पर आपको इसके पंप के बारे में बता दूँ साथियों, तो इंजन और पंप के अभी तक पाना नहीं लगा है, एक भी बोल्ट इसका नहीं खुला है पंप का और इंजन का। साथ के इंजन और साथ का पंप आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। और मैंने बता तो दिया था आपको कि 60 से 65% के बीच में आपको इसका इंजन देखने को मिल जाएगा, तो इतना इंजन अभी इस ट्रैक्टर में बाकी है साथियों। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है ट्रैक्टर। बस आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो एक बार किसान भाई से बात कर लेना। किसान भाई से बात करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से किसान भाई के नंबर लेके आप बातचीत कर सकते हो और ट्रैक्टर की और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। रही बात ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो नागौर के अंदर आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा साथियों। नागौर के अंदर ये ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा। ट्रैक्टर के नंबर मैंने आपको बताई दिए, RJ01 में मिलेगा। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि RJ01 कौन सी जगह के नंबर होते हैं। यहाँ पे टायर वापस देख लीजिए आप, बड़े वाला टायर, इतना माल आपको इसमें पीछे बड़े वाले टायर में देखने को मिल जाएगा। और रिम भी कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे टूट फाट हो, गलावट हो। यहाँ पे आप इसकी लैंके देख लीजिए, साथ की लैंकों में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। और लैंके ऐसे नहीं है कि कहीं से टूटी फूटी हो, एकदम ओके और शानदार कंडीशन में। अमरघाट आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, इस तरीके से आपको अमरघाट इसमें देखने को मिल जाएगा। अमरघाट में कहीं पर भी आपको गलावट नज़र नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है। यहाँ पर अपन इसका वीडियो देख लेते हैं जिसमें आपको पूरा ट्रैक्टर चारों तरफ से नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो पे। तो साथियों यहाँ पे जब अपन ट्रैक्टर का वीडियो देखते हैं तो इस तरीके से आपको ट्रैक्टर की जो कंडीशन है वो नज़र आ जाएगी। पीछे से जब आप ट्रैक्टर को देखोगे तो अमरघाटों की स्थिति आपको इस तरीके से नज़र आएगी। यहाँ पे इस साइड का अमरघाट आप देख सकते हैं, हुक की कंडीशन आप देख सकते हैं, और ये पीछे से लैंके वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे आप देख लीजिए जो टायर है, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको इसके टायर की कंडीशन नज़र आ जाएगी, रिम की कंडीशन नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप इसका एक्सीलेटर ब्रेक वगैरह देख सकते हैं। सेलअप की तरफ से आप ट्रैक्टर को देख सकते हैं। ट्रैक्टर में आपको 1 रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिस कंडीशन में है बेहतरीन और शानदार कंडीशन में पूरे ट्रैक्टर को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं साथियों। जब आप ट्रैक्टर को इस साइड से देखोगे सामने से, तो इस तरीके से आपको ये नज़र आ जाएगा। लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट बिल्कुल चालू, एकदम ओके कंडीशन की वायरिंग आपको इसमें मिल जाएगी। ये पंप की कंडीशन आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर में ऐसा नहीं है कहीं पे लीकेज वगैरह हो, एकदम साफ सुथरा ट्रैक्टर है। अभी तक तो इसका इंजन खुला नहीं है, साथ के इंजन में आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। बाकी टायर आपको मैंने बता ही दिया कि 2017 में इसमें टायर डलवा दिए थे। ये देख लीजिए आप, दूसरी तरफ से भी गाड़ी को देख सकते हैं, दूसरी तरफ से भी आप ट्रैक्टर की कंडीशन देख सकते हैं। इस तरह की ट्रैक्टर की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये सेल्फ के पास से आप देख लीजिए, कलर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीछे से देख लीजिए, ये दूसरी तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार ट्रैक्टर साथियों। इसी बात पर यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना। अब मैं आपको इस ट्रैक्टर की आवाज़ है वो सुना देता हूँ, तो जिसमें आपको ये ट्रैक्टर की आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे जाए।
यहाँ पर आप ट्रैक्टर की आवाज़ है जो सुन सकते हैं, कितनी बेहतरीन और शानदार आवाज़ है। साथियों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। लेकिन साथियों वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले आप लोगों के साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अपने ट्रैक्टर का कोई भी पार्ट्स खरीदना चाहते हो, जैसे कि ये लाइट खरीदना चाहते हो, अमरकांटों की ये लाइट खरीदना चाहते हो या फिर ये लाइट खरीदना चाहते हो, तो आप लोग हमारे लिंक के माध्यम से खरीद सकते हो और अपने घर पर ही इस चीज़ को मंगवा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके अपने ट्रैक्टर की जो लाइटें हैं वो मंगवा सकते हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इसी जानकारी के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।